इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई कार्ड एक दिन में जो है इसका स्टॉक्स 15% क्यों गिरा, मतलब इसमें जो करेक्शन आया है आज देख सकते हैं, इसमें जो फॉल आया है 15.15% का एक दिन में, तो ये फॉल क्यों आया इसको डिटेल में हम जानेंगे क्या था इसके पीछे की वजह। तो आज मार्केट थोड़ा डाउन रहा लेकिन उसके मुकाबले हमारा एसबीआई कार्ड बहुत ही ज़्यादा फॉल आई है, इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। तो क्या है इस गिरावट के पीछे की वजह, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सारी वजहें। आज जब मार्केट क्लोज हुआ था एसबीआई कार्ड का जो स्टॉक का प्राइस है वो है 505 रुपीज़, देख सकते हैं एनएससी के वेबसाइट पर हम हैं, तो ये 90 रुपीज़ डाउन है आज, मतलब 15.15% का करेक्शन आया है, गिरावट आया है इस स्टॉक्स में। और जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो थी 595, जो पिछले ट्रेडिंग डे थे उस दिन क्लोज हुआ था ये 595 पर, और आज ओपन हुआ 580 रुपीज़ पर और हाई बनाया अपना 581.50 रुपीज़ का और लो बनाया 501 रुपीज़ का। तो देख सकते हैं कि इसमें जो 50% की गिरावट है, इस गिरावट की क्या वजह है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो शेयर होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग में आप देख लीजिए प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है 69.15%, और वहीं जो हमारा आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है 30.15%। तो आगे हम इसका रिलेशन करेंगे कि क्या रिलेशन है हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न से, और यहाँ पर ये तो प्रमोटर्स प्लीज शेयर ये सब डिटेल अभी आपको उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें आपको दिखाया जाएगा किसके पास कितना शेयर है, अभी ये नया लिस्टिंग है शेयर का। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है, तो क्वांटिटी जो आज ट्रेड हुई देख सकते हैं कि आपको 2,28,74,756, मतलब 2 करोड़ से भी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 50.94% क्वांटिटी जो है डिलीवरी में आई है, डिलीवर हुई है क्वांटिटी। तो इतना हाई वॉल्यूम देख सकते हैं कि 2 करोड़ का वॉल्यूम है इस स्टॉक्स में आज 13 अप्रैल को, इस स्टॉक्स पे एक बहुत ही लार्ज वैल्यू आपको देखने के लिए मिला है। तो अब चलते हैं हम इसके रीजन के पीछे कि क्यों इतना बड़ा फॉल आया है एसबीआई कार्ड के स्टॉक्स में। तो सबसे पहले हम इसके बात करेंगे इसके रीजन के कि इसमें क्या रीजन था, क्या वजह थी जिसके कारण इतना बड़ा फॉल आया है एसबीआई कार्ड स्टॉक्स में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो हमारा एंकर इन्वेस्टर होता है उसके बारे में, जो हमारा एंकर इन्वेस्टर है किसे कहते हैं, इसी एंकर इन्वेस्टर की वजह से आज एसबीआई में आपको इतना बड़ा फॉल देखने मिला है। तो एंकर इन्वेस्टर जो हमारा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक देख सकते हैं वेल्थ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स दैट सब्सक्राइब फॉर शेयर्स अहेड ऑफ द आईपीओ, मतलब आईपीओ आने से पहले जो उसमें सब्सक्राइब करता है, मतलब जो उस कंपनी के शेयर को बाय करता है उसे हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। ये एंकर इन्वेस्टर क्या करता है, बूस्ट द पॉपुलरिटी ऑफ इश्यू, जो पॉपुलरिटी है इस जो इश्यू है हमारा आईपीओ जो इश्यू होता है उसके पॉपुलरिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है और प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है उस प्राइस पे आईपीओ के, मतलब जो स्टॉक्स आने वाला है आईपीओ के रूप में उसमें कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर के लिए। अब और इसको डिटेल में जानते हैं, देखिए जो हमारा एंकर इन्वेस्टर होते हैं वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि मिनिमम 10 करोड़ रुपीज़ जो है पब्लिक इश्यू में लगाते हैं। देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर सेल मेक एन एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट लिस्ट 10 करोड़ इन द पब्लिक इश्यू, किसी को भी हम एंकर इन्वेस्टर नहीं बोल सकते हैं, वैसे इन्वेस्टर जो कि मिनिमम 10 करोड़ रुपये उस स्टॉक्स में उस आईपीओ में लगाते हैं उसे हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। और जब हमारा आईपीओ आती है तो और एंकर इन्वेस्टर के लिए कुछ परसेंट जो शेयर होते हैं वो रिजर्व होते हैं, वो शेयर एंकर इन्वेस्टर को ही दी जाती है और वो आईपीओ के लिस्ट होने से पहले एक दिन उन्हें मिल जाती है। तो ये था हमारा एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर जो कि मिनिमम 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। अब हम इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं देख सकते हैं देयर शैल बी ए लॉक इन ऑफ 30 डेज ऑफ शेयर अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन पब्लिक इश्यू, जो पब्लिक को इश्यू की जाती है हमारा शेयर आईपीओ के रूप में उसके अगले 30 दिन तक इन्हें लॉक इन रहता है, मतलब ये शेयर नहीं बेच सकते हैं अगले 30 डे तक। लेकिन जैसे आप हैं, आप तो शेयर जो लेंगे आईपीओ जो लेंगे उसे अगले दिन जिस दिन लिस्टिंग होता है उसी दिन आप उसे बेच सकते हैं, लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो अगले 30 डेज तक अपने शेयर को नहीं बेच सकते हैं।
तो ये दूसरा कंडीशन, पहला तो 10 करोड़ इन्वेस्ट करेगा उसको एंकर इन्वेस्टर बोलेंगे, और जो आईपीओ लिस्ट होगा उसके अगले 30 डेज तक वो जो अपने शेयर को नहीं बेच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एसबीआई कार्ड आईपीओ लिस्ट हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, जो शेयर क्रेडिट किया गया था, जो पब्लिक को इश्यू किया गया था, किस तरह को 13 मार्च को, तो जो 13 मार्च को हमारा एसबीआई कार्ड का आईपीओ जो है, मतलब जो शेयर है वो पब्लिक को दिया गया, और आज है कितना हमारा 13 अप्रैल, तो आप देख सकते हैं 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो एंकर इन्वेस्टर है वो अब क्या कर रहे हैं, ये जो 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है वो अपना शेयर बेच रहे हैं। तो जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि जो अभी आप घर बैठे हैं तो आप तो कोई शॉपिंग करने नहीं, कोई ट्रेवल कर ही नहीं रहे हैं, तो जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उसका कोई यूज नहीं है, तो मतलब इसका जो बिजनेस है अभी वो फंक्शन में नहीं है। तो बिजनेस जब काम नहीं कर रहा है तो इसमें प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा, तो इस तरह से अभी जो इस तरह के बिजनेस है वो हमारा क्या है, अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, मतलब वो बिजनेस अभी फंक्शन में नहीं है, वो बिजनेस अभी चल नहीं रहा है। तो इसलिए जो स्टॉक्स है उसका जो प्राइस है वो हमारा क्या हो रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। इस तरह के जो भी स्टॉक्स है अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, वेट एंड वॉच, अभी इंतज़ार करें और आगे मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका इंतज़ार करें। तो आपको किस प्राइस पे इसे बाय करना चाहिए ये सब आपको अभी देखना चाहिए, तो जैसे आपका रिजनेबल प्राइस लगता है उस पर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे अभी एसबीआई कार्ड आईपीओ 500 पे है, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे आप 10 शेयर लेना चाहते हैं तो 2 शेयर 3 शेयर इस तरह से करके अभी आप उठा सकते हैं, और नीचे वेट एंड वॉच कीजिए कि अगर और नीचे आता है तो आप इस तरह से एसआईपी मोड में लेते जाएंगे। अब जैसे 450 आता है तो आप वहां पर ले लेंगे। इस आईपीओ में हमने भी बिट लगाया था, हमें ये अलॉट नहीं हुई थी, चलिए अच्छी बात है। तो हम ये शेयर जैसे 450 पे आता है तो हम भी इसमें एंटर करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एसबीआई कार्ड आईपीओ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है अभी वो फंक्शन में नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते नहीं है, शॉपिंग नहीं करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं, तो इस तरह से अभी इनका जो बिजनेस है उससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रही है। इसीलिए इस तरह की जो सारी कंपनियाँ हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया, इस तरह के सभी स्टॉक्स अभी आपको नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं। एसबीआई कार्ड जो है हमारा वो 700 के प्राइस को अभी वर्थ नहीं करता है, क्योंकि जब बजाज फाइनेंस जो देखते हैं मार्केट लीडिंग कंपनी है वो आपको 2000 के पास आपको मिल रही है, जो कि 5000 का हुआ करता था, वो अभी 2000 के आसपास मिल रही है, 2100 के प्राइस पर मिल रहा है बजाज फाइनेंस। इसीलिए जो एसबीआई कार्ड स्टॉक्स है ये 700 का प्राइस वर्थ नहीं करता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसमें भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अपना शेयर जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसलिए आप वेट एंड वॉच करें और अच्छे प्राइस लेवल का इंतज़ार करें, जैसे आपको रिजनेबल प्राइस लगता है तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।